आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। और बात सबसे पहले गुजरात इलेक्शन की करेंगे, जिसकी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की ओर से किया जा चुका है। वहां पर दो चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण के लिए 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और नतीजों का ऐलान 8 दिसंबर को होगा। यानी हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ ही गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। इन तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में चुनावी आचार संहिता लागू हो चुकी है और इस बार के गुजरात चुनाव में करीब 4.5 लाख वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे। Date of poll would be 1st and 5th. गुजरात चुनाव का बज गया बिगुल। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया। लोकतंत्र के जिस महापर्व का इंतजार गुजरात की जनता और सियासी पार्टियां कर रही थी, उसका ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में दो चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। 182 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर और 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि नतीजों का ऐलान 8 दिसंबर को होगा। यानी 8 दिसंबर को ये साफ हो जाएगा कि राज्य की सत्ता पर कौन सी पार्टी काबिज होगी। डेट ऑफ पोल वुड बी 1st and 5th विद द डेट ऑफ काउंटिंग टू कंसाइड विद हिमाचल प्रदेश ऑन 8th of December। इन तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। कोई चुनावी रैली और रोड शो कर रहा है तो कोई डोर टू डोर कैंपेन में मशरूफ है। तमारी बिजली फ्री करी दी। वोटरों को लुभाने के लिए विपक्षी पार्टियां जहां मुफ्त बिजली, रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाकर जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रही है, तो वही 27 साल से राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी किए गए विकास कार्यों की दुहाई देकर जनता का फिर से समर्थन मांग रही है। इसलिए हर देशवासी को इसके बारे में जानना जरूर चाहिए। हालांकि इस चुनावी सरगर्मी के बीच विपक्ष की ओर से कई मौकों पर चुनाव की तारीखों में देरी और आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए। तो सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन जिस तरह से हिमाचल के चुनाव अनाउंस किए, उस दिन क्यों नहीं अनाउंस किया? पहली बार इतिहास में हुआ है कि इलेक्शन अनाउंस होने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट मोदी जी के तमाम कार्यक्रमों के बाद लगा हिमाचल में, ये पहली बार हुआ है। विपक्ष के इन आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी चुप्पी तोड़ी और तारीखों के ऐलान के मौके पर उन्होंने विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब भी दिया। चुनाव से पहले एक निगेटिव माहौल बनाने का जो प्रक्रिया है वो इट्स ए पार्ट ऑफ इट, वी आर अवेयर। कभी कभी जब क्रिकेट का मैच होता है तो दोनों पार्टी हारने के बाद कोई भी पक्ष एम्पायर को भी ब्लेम करता है। यहां तो कोई थर्ड एम्पायर है नहीं जो पीछे जाके हम बॉल बाय बॉल देख सकें, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आता है वो इसकी टेस्टिमनी है और ये विरासत है जो हमारे पूर्ववर्ती सभी आयुक्तों और प्रमुख और मुख्य चुनाव आयुक्तों ने बनाई है। Which is the result of the impartiality of the commission. और हमारी ड्यूटी सिर्फ कंबाइंडली यही है कि हम उसको आगे ही बढ़ाएं, कहीं भी स्लाइड ना हो। लेकिन इस बार का गुजरात चुनाव पिछली बार से कई मायनों में खास है, क्योंकि 2017 के गुजरात चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। वही पाटीदार आंदोलन की आग भी इस बार शांत है, क्योंकि आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हैं, जिससे इस बार का गुजरात चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान के दौरान अगर कोई राजनीतिक दल या उसका उम्मीदवार किसी वोटर को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो सीधे तौर पर मोबाइल फोन पर सी विजिल ऐप के जरिए चुनाव आयोग में शिकायत की जा सकती है। शिकायत मिलने के 60 मिनट में एक टीम गठित की जाएगी और 100 मिनट में उस शिकायत का समाधान किया जाएगा। गुजरात के मतदाताओं को चुनाव आयोग की तरफ से और क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, ये बता रहे मेरे सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल। गुजरात राज्य में चुनाव का बिगुल बज चुका है।
दो चरण के अंदर मतदान किया जाएगा। पहला चरण होगा 1 दिसंबर को और दूसरा चरण होगा 5 दिसंबर को। जो रिजल्ट है उसकी घोषणा की जाएगी 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को ही हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं उसका रिजल्ट भी 8 दिसंबर को आ जाएगा। चुनाव आयोग का कहना है कि एमसीसी आज ही से लागू हो चुका है गुजरात में, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर एमसीसी का उल्लंघन करते हुए पाई जाएगी तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बात हिमाचल प्रदेश चुनाव की भी कर लेते हैं, जहां पर बुजुर्ग मतदाताओं के लिए घर घर जाकर मतपत्र और पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौरान हिमाचल के किन्नौर विधानसभा क्षेत्र से लोकतंत्र के प्रति आस्था की अनोखी तस्वीर सामने आई है। आजाद भारत के पहले वोटर श्याम शरण नेगी ने हिमाचल चुनाव के लिए धूमधाम से अपना वोट डाला। 105 साल के श्याम शरण नेगी ने कल्पा में अपने घर से पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान किया। ज्यादा उम्र और स्वास्थ्य की वजह से इस बार उन्होंने घर से ही वोट किया है। एक सौ पांच साल के श्याम शरण नेगी ने वैसे तो ना जाने कितनी बार लोकतंत्र के महोत्सव में हिस्सा लिया होगा, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में उनके मतदान की बात कुछ खास है। दरअसल 12 नवंबर को होने वाली पोलिंग से पहले हिमाचल प्रदेश में 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए पोस्टल बैलेट से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। बुधवार को 105 साल के श्याम शरण नेगी ने किन्नौर विधानसभा क्षेत्र में अपना वोट डाला। इस दौरान रेड कारपेट बिछाकर बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया। उन्हें आजाद भारत के चुनाव में सबसे पहला वोट डालने का गौरव हासिल है। ये कहानी भी काफी दिलचस्प है। श्याम शरण नेगी किन्नौर जिले के कल्पा के रहने वाले हैं और रिटायर्ड अध्यापक हैं। श्याम शरण नेगी का जन्म 1 जुलाई 1917 को कल्पा में हुआ था। देश के आजाद होने के बाद 1952 में पहला लोकसभा चुनाव का आयोजन किया गया, लेकिन किन्नौर में भारी हिमपात के कारण 5 महीने पहले सितंबर 1951 में मतदान हो गया। चुनाव के दौरान श्याम शरण नेगी जिला किन्नौर के मूरंग स्कूल में तैनात थे। चुनाव के लिए उनकी ड्यूटी किन्नौर के ही शोंगठोंग से मूरंग तक थी, जबकि उनका वोट कल्पा में था। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से सुबह वोट डालने के बाद ड्यूटी पर जाने की इजाजत मांगी। वो जल्दी मतदान करने पोलिंग बूथ पहुंचे और निर्वाचन अधिकारी की इजाजत के बाद पोलिंग शुरू होने से 45 मिनट पहले सुबह 6:15 बजे ही मतदान किया। इस तरह मतदान करते ही वो देश के पहले मतदाता बन गए। श्याम शरण नेगी ने अब तक 34 बार मतदान किया है। श्याम शरण नेगी को चुनाव आयोग ने इस साल ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। 2014 के आम चुनाव के दौरान भी उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो ये हमारे लिए हर्ष की बात है कि ये हमारे किन्नौर से हैं और पूरे देश में ये जो है पॉपुलर है, और इसलिए आज पूरा प्रशासन यहाँ आया हुआ है कि इनसे जो है ये पोस्टल बैलेट का जो है वोट डलवाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्याम शरण नेगी के वोट डालने की तारीफ की। उन्होंने लिखा, ये प्रशंसनीय है और ये युवा मतदाताओं के लिए चुनाव में हिस्सा लेने और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करेगा। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए घर घर जाकर मतपत्र और पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के तहत प्रदेश के 48,000 मतदाताओं के वोट डलवाए जाएंगे। ये प्रक्रिया 10 नवंबर तक जारी रहेगी। किन्नौर से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छी और सच्ची खबरों में अब हम आपको बीएसएफ के शूरवीरों से मिलवाते हैं। बात बीएसएफ की। देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जैसलमेर के किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में अपने रण कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। 51वीं अंतर फ्रंटियर स्पोर्ट्स वेपन शूटिंग प्रतियोगिता के तहत करीब 600 जांबाजों ने अपने अद्भुत युद्ध कौशल से लोगों की खूब तालियां बटोरी। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए बीएसएफ के कई बड़े अफसर मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। पाकिस्तानी सीमा के नजदीक हो रही ये गोलीबारी और 600 जांबाजों का ये रणकौशल रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
जैसलमेर के किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में बीएसएफ की ओर से 51वीं अंतर फ्रंटियर सपोर्ट वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हिस्सा लेने वाले इन बीएसएफ जवानों ने अपने अद्भुत रण कौशल का परिचय दिया। इस दौरान मशीन गन से लेकर मोर्टार तक का इस्तेमाल किया गया, जिससे किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज का पूरा इलाका थर्रा उठा। 4 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश के 11 मुख्यालयों के करीब 600 बीएसएफ जवान और अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इनके बीच गजब का तालमेल और फुर्ती देखने को मिल रही है। यहाँ पर बीएसएफ ने अपना फायर पावर डेमोंस्ट्रेशन किया है। बीएसएफ के 11 फ्रंटियर के करीब 600 से ज्यादा अधिकारी जवान इस रेंज में पहुंचे हैं और कई प्रकार के यहाँ पर वेपन्स के फायर पावर में लगे हुए हैं। 81 मोर्टार ने यहाँ पे धमाके किए हैं, दुश्मन के छद्म ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। इसके अलावा एमएमजी मशीन गन से भी कई प्रकार के टारगेट को, दुश्मन के टारगेट को पूरी तरह तबाह किया गया है। चाहे तपता रेगिस्तान हो या बर्फीले पहाड़ या फिर जंगल, बीएसएफ के जवान 24 घंटे अपनी मुस्तैदी से देश की सीमाओं को महफूज रखते हैं। चाहे तस्करों और घुसपैठियों को रोकना हो या चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की साजिशों को नाकाम करना हो, बीएसएफ ने कभी तिरंगे के मान को कम नहीं होने दिया। वक्त के साथ जैसे जैसे चुनौतियां बढ़ी, बीएसएफ ने खुद को इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया, जिसकी वानगी किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में साफ नजर आई। इन जवानों की बहादुरी को देखकर वहां मौजूद अधिकारी भी तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। बीएसएफ अधिकारियों की ओर से इन जवानों का हौसला बढ़ाया गया। हमें जो पार्टिसिपेट करने के लिए जो आपको चुन लिया था और पार्टिसिपेट करने के लिए आया है, इट इज एन ऑनर फॉर यू एंड फॉर फ्यूचर ऑल्सो यू आर गोइंग टू बी आवर एसेट्स। इसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे आपने काफी मेहनत किया होगा और आने वाले दिनों में काम बहुत आ सकता है इसमें। ये प्रतियोगिता 4 दिन तक चलेगी, जिसमें कोई एक ही विजेता होगा, लेकिन इस प्रतियोगिता का मकसद चुनौतियों को देखते हुए अपनी तैयारियों को परखना है। यानी अगर जरूरत पड़े तो बीएसएफ जवान वक्त रहते हर खतरे को नाकाम कर सकते हैं। ये एरिया वेपन्स और सपोर्ट वेपन्स जो होता है, जो नॉर्मली वॉर में यूज होता है, और ये जो है काफी डैमेज भी कर सकता है और वार के लिए हमेशा रेडी और रेडी रखने के लिए हमने ये कंपटीशन रखा हुआ है जवान्स का, और रिफ्रेश हमेशा करते हैं। हर साल इनका टेस्टिंग होता है यहाँ पे किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में, और ये बीएसएफ के लिए हमारा एक ही फायरिंग रेंज है जो इतना इस टाइप का वेपन्स का फायरिंग होता है। 1967 से हर साल बीएसएफ की इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और हर साल इसमें हिस्सा लेने वाले जवानों का रणकौशल देखते ही बनता है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सीमा पर बीएसएफ के वीर अधिकारी और जवानों की कुर्बानियों की वजह से हम महफूज हैं, हमारा देश सुरक्षित है। उनकी मुस्तैदी की वजह से ही हम रात में चैन की नींद सो पा रहे हैं। पिछले 56 सालों से ये सीमा प्रहरी एक पैर पर खड़े होकर हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। आज एक बार फिर से ये वक्त आ गया है कि हम उनके अस्तित्व में आने की वजह को समझें। हालांकि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले बीएसएफ का अस्तित्व नहीं था। इस लड़ाई से पहले पाकिस्तान से लगी 3323 किलोमीटर की सीमा की जिम्मेदारी स्टेट आर्म्ड पुलिस बटालियन पर थी। 1965 के युद्ध में भारत के सरदार शौकी, चारबेर और बेरिया बेट पर पाकिस्तानी सेना ने हमला किया। स्टेट रिजर्व पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे धकेल दिया, लेकिन उस वक्त बीएसएफ जैसे किसी संगठन की जरूरत महसूस हुई जो इस तरह के हमलों से निपटने में माहिर हो, और इसी सोच ने बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जन्म दिया। 1 दिसंबर 1965 को पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी करने के लिए बीएसएफ अस्तित्व में आई। हालांकि बीएसएफ अब भारत,
पाकिस्तान सीमा के अलावा भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा भी करती है। अब सवाल ये उठता है कि बीएसएफ पर कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, जिसका निर्वाह बीएसएफ 50 साल से ज्यादा वक्त से कर रही है। अब चाहे युद्ध छिड़ा हो या फिर शांति का समय हो, बीएसएफ के जवान हमेशा मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। शांति के समय वो हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, सीमा पार से होने वाले अपराधों पर लगाम लगाते हैं। इसके अलावा बीएसएफ पर घुसपैठ, अवैध प्रवास और सीमा पर होने वाली तस्करी को रोकने की जिम्मेदारी भी है। सीमा पर मौजूद रहते हुए खुफिया सूचना जुटाना भी बीएसएफ की जिम्मेदारियों में ही शामिल है। जबकि युद्ध के दौरान बीएसएफ की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। सीमा पर जहां कहीं भी सैनिकों की जरूरत पड़ती है, वहां बीएसएफ के जवानों को भेजा जाता है, जहां वो एक तय दायरे में रहकर युद्ध लड़ते हैं। बीएसएफ देश का एकमात्र सशस्त्र बल है जिसके पास अपना हवाई विंग, समुद्री विंग और आर्टिलरी विंग है। दूसरे देशों के सशस्त्र बलों की तुलना में बीएसएफ कई मामलों में अलग है। वो दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा बल है। बीएसएफ की 186 बटालियन है, जिनमें 2,57,000 से ज्यादा जवान हैं। इसके अलावा बीएसएफ की ऊंट और डॉग विंग भी है। बीएसएफ की 3 बटालियन नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में शामिल हैं, जो कोलकाता, गुवाहाटी और पटना में तैनात हैं। मौजूदा समय में बीएसएफ की सभी अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, लेकिन खासतौर पर इस बहादुर फोर्स का फोकस पश्चिम में भारत पाकिस्तान सीमा तो पूर्व में भारत बांग्लादेश सीमा है, जहां से सबसे ज्यादा घुसपैठ और तस्करी के मामले सामने आते हैं। ऐसे में आपके लिए यह जानना भी बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल की सीमा भारत के राज्यों में कितनी है। भारत और पाकिस्तान की सीमा 3,323 किलोमीटर है। यह लंबा बॉर्डर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पंजाब और गुजरात में है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का बॉर्डर सबसे लंबा है। यहां भारत और पाकिस्तान की सीमा 1,225 किलोमीटर लंबी है। दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है। राजस्थान में पाकिस्तान से सटी सीमा 1,037 किलोमीटर लंबी है। तीसरे नंबर पर पंजाब आता है। पंजाब में भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर 553 किलोमीटर है, जबकि गुजरात में पाकिस्तान से सटी 508 किलोमीटर लंबी सीमा है। बांग्लादेश और भारत की सीमा 4,096 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान से सटी सीमा 2,216 किलोमीटर लंबी है, जबकि मेघालय में 443 किलोमीटर और असम में 263 किलोमीटर है। त्रिपुरा में 856 और मिजोरम में 318 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसकी देखरेख का जिम्मा सीमा सुरक्षा बल पर ही है। और इस वक्त बीएसएफ की मौजूदगी देश के 12 राज्यों में है, जिनमें 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इनमें असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब ऐसे राज्य हैं जहां पहले की तुलना में बीएसएफ को ज्यादा अधिकार मिले हैं। वहां सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ कार्रवाई कर सकती है, जिसमें बिना वारंट तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती शामिल है। अपने गठन के बाद से देश की सुरक्षा में बीएसएफ का योगदान सराहनीय रहा है। बीएसएफ के वीर जवानों के जरिए सीमा पर सैकड़ों संदिग्ध और आतंकी या तो पकड़े गए या फिर मार गिराए गए। उनसे सैकड़ों अवैध हथियार भी जब्त हुए हैं। बीएसएफ की ये उपलब्धियां आंकड़ों के रूप में उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज हैं। अगर हम सिर्फ पिछले 4 साल के रिकॉर्ड को ही खंगालें, तो इन सीमा प्रहरियों ने देश को महफूज रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका नतीजा ये रहा कि एक फोर्स के तौर पर सक्सेस रेट इसका बहुत ऊंचा है। हम बात अगर 2019 की कर लेते हैं, तब बीएसएफ ने सीमा पर अपना दम दिखाया। अपनी चौकसी की वजह से 3 साल पहले बीएसएफ के जवानों ने 17 आतंकियों को धर दबोचा, जबकि भारतीय सीमा में दाखिल हुए 19 आतंकियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। उसी साल बीएसएफ ने 34 घुसपैठियों और तस्करों को भी मार गिराया। उसी साल बीएसएफ ने 4,200 से ज्यादा घुसपैठिए और तस्करों को गिरफ्तार किया था। साल 2020 की बात करते हैं और उसके आंकड़ों को खंगालते हैं। 2 साल बीएसएफ जवानों ने 4 आतंकियों को मार गिराया,
जबकि 4 आतंकी धर दबोचे गए। घुसपैठ के जरिए भारतीय सीमा में दाखिल हुए 14 आतंकियों ने बीएसएफ की वजह से आत्मसमर्पण भी किया और इसी दौरान बीएसएफ ने 32 घुसपैठियों और तस्करों को मार गिराया। यही नहीं, करीब 5000 घुसपैठियों और तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया। अब बात 2021 की, तो 2021 का आंकड़ा अगर हम उठा लें, पिछले साल बीएसएफ ने 4 आतंकियों को मार गिराया, 13 आतंकियों को धर दबोचा। बीएसएफ की वजह से घुसपैठ के जरिए भारतीय सीमा में दाखिल हुए 19 आतंकी सरेंडर करने पर मजबूर हो गए। इस दौरान बीएसएफ ने 31 घुसपैठियों और तस्करों को मार गिराया। यही नहीं, बल्कि हमारे सीमा प्रहरियों ने 4200 से ज्यादा घुसपैठियों और तस्करों को गिरफ्तार भी किया। वहीं अगर हम इसी साल की बात कर लेते हैं तो अपनी चौकसी की वजह से अब तक बीएसएफ जवान 3 आतंकियों को पकड़ चुके हैं, जबकि भारतीय सीमा में दाखिल हुए 826 आतंकियों को सरेंडर करने पर मजबूर किया। इस दौरान 16 घुसपैठी और तस्कर मार गिराए गए। 11 महीने के अंदर बीएसएफ के रणबांकुरे करीब 3900 से ज्यादा घुसपैठी और तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं। बीएसएफ के जवान सिर्फ आतंकियों को मार गिराने और घुसपैठिए तस्करों को पकड़ने में ही कामयाब नहीं हुए, बल्कि 2019, 2020, 2021, 2022 में 424 से ज्यादा आधुनिक हथियारों को भी जब्त किया है। 316 से ज्यादा गोला बारूद भी अपने कब्जे में लिया। नशीले पदार्थ की अगर हम बात करें तो पिछले 4 साल में बीएसएफ के जवानों ने करीब 8600 करोड़ से ज्यादा का नशीला पदार्थ जब्त किया, जिसमें हेरोइन शामिल है। बीएसएफ की ही वजह से करीब 1,62,000 से ज्यादा मवेशी और पशु तस्करों के चंगुल से निकाले गए हैं। आगे बढ़ते हैं अच्छी और सच्ची खबरों में। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की आबोहवा की। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स चिंता बढ़ाने वाला है। बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए केजरीवाल सरकार ने राजधानी में ग्रैप का स्टेज 4 लागू कर दिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के कई हिस्सों में EQI 400 था, जो बढ़कर अब 450 पर चला गया है। लिहाजा केजरीवाल सरकार ने ग्रैप के स्टेज 4 को लागू कर दिया है। ग्रैप के स्टेज 4 लागू होने के बाद बहुत सारी पाबंदियां लग सकती हैं। ऑड इवन की व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। इसका मतलब यह होगा कि एक दिन ऑड नंबर तो दूसरे दिन इवन नंबर की गाड़ी ही बाहर निकलेगी। 50% स्टाफ के साथ ऑफिस में काम किया जा सकता है, यानी सरकार वर्क फ्रॉम होम का फैसला ले सकती है। स्कूल और कॉलेजों को बंद किया जा सकता है। BS6 को छोड़कर सभी डीजल की गाड़ियों पर दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगाई जाएगी। जरूरी सामान के निर्माण करने के अलावा सभी इंडस्ट्रीज को भी बंद किया जाएगा। हाईवे, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन और पाइपलाइंस के निर्माण बंद हो सकते हैं। जरूरी वस्तुओं को ढोने वाले को छोड़कर ट्रक पर भी पाबंदी लग सकती है। हालांकि इन पाबंदियों को लेकर कल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें पर्यावरण विभाग और अन्य संबंधित विभागों से जुड़े अधिकारी शामिल होंगे। दिल्ली सरकार हवा में फैले इस जहर को कम करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू है। इसके अलावा स्मॉग को कम करने के लिए एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल हो रहा है। सड़कों पर पानी का छिड़काव भी जारी है। हवाओं की रफ्तार ने बेरुखी दिखाई तो दिल्ली के आसमान में धुंध के बादल छा गए। वजह, मौसम में बदलाव हो या फिर पड़ोसी राज्यों से उठने वाली पराली का धुआं। ठंड बढ़ने के साथ ही दिल्ली की हवा में जहर घुलने लगा है। प्रदूषण बढ़ने के साथ ही राजधानी में एजेंसियां हरकत में आ गई हैं और दिल्ली को सेहतमंद सांस देने की कवायद शुरू हो गई है। हवा में फैले धूल के महीन कणों को जमीन पर लाने के लिए ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। एंटी स्मोक गन से निकली पानी की फुहार हवा में फैले जहर को कुछ ही मिनटों में कम कर देते हैं। राजधानी दिल्ली और NCR का हाल बेहाल है। आबो हवा
बिल्कुल खराब होती जा रही है और नीले आसमान का दर्शन नहीं हो पा रहा है। इन सब के बीच आपको बता दें कि एजेंसियां तत्पर हैं। ये देखिए एंटी स्मोक गन है, यानी जो भी धूल उड़ रही है यहां पर इलाके में उसको खत्म करने के लिए यह एंटी स्मोक गन लगातार चलाई जा रही है। और यह आनंद विहार का एरिया है जो कि दिल्ली में अधिकतर जब भी पॉल्यूशन का लेवल होता है सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है आमतौर पर। और गाड़ियों का जो धुआं है, यानी गाड़ियों के चलने से जो धुआं उठता है उसको खत्म करने के लिए और साथ ही साथ जो धूल यहां पर है वो न फैले, इसके लिए अलग अलग इलाकों में 75 से ज्यादा एंटी स्मॉग गन तैनात कर दी गई हैं। वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए दिल्ली सरकार ने स्मॉग टावर की शुरुआत भी की थी। ये स्मॉग टावर हवा के प्रदूषण को कम करने में बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। आपको ये एंटी स्मॉग टावर याद होगा, पिछले साल दिल्ली सरकार ने इसे तैयार करवाया था और तब उम्मीद ये जताई गई थी कि ये जहां जहां भी होगा कम से कम वहां पर हवा की गुणवत्ता बेहतर होगी। इस वक्त अगर हम देखें तो दिल्ली का जो AQI है औसतन वो 372 है, कई इलाकों में 400 के पार है, लेकिन जहां पर ये एंटी स्मॉग टावर काम कर रहा है वहां पर आप देखिए स्क्रीन पर चल रहा है PM10 174.95, PM2.5 153.45। मतलब कहीं ना कहीं जिस पर्पस के साथ इस तरह के एंटी स्मॉग टावर लगाए गए थे वो अपने उद्देश्य में काफी हद तक सफल होता दिखाई पड़ रहा है। प्रदूषण पर लगाम लगाने में दिल्ली सरकार ने जनता से भी सहयोग की अपील की है। मनीष चौरसिया के साथ राम किंकर सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड यस्टरडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।